दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आप लोगों का स्वागत है फिर से हमारे शादी में। आज हम लोग शादी आज हम लोग शादी आए हुए। पता है मेरी बचपन की दोस्त है, वो हम लोग ना बहुत दोस्ती करते थे उसके साथ, और मेरी मौसी की बेटी है, अपनी मौसी की बेटी, माँ से जस्ट छोटी वाली। हाँ दोस्तों, उनका शादी में आए हुए हैं हम लोग पूरा परिवार के साथ, और यहाँ पे सब कोई आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, स्टेज भी वहाँ पे सज गया है। देखिए दोनों के लिए, दूल्हा और दुल्हन के लिए, दोनों जोड़ा के लिए। अब देखिए साइकिल, देखिए वो साइकिल। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, हम चलाएंगे तो वैसे यहाँ पे शादी कैसे होगा वो सब चीज़ आप लोगों को देखने मिलेगा। और हम लोग खाएंगे पियेंगे, खूब मस्ती करेंगे, और इतना खाएंगे इतना देर पूरा डांस करेंगे। डांस करेंगे पूरा, दुआ उठा देंगे, दुल्ली उड़ा देंगे बोलती है। दोस्तों ये सब शादी आप लोगों को देखने मिलेगा। अभी जस्ट हम लोग पहुँचे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे भाभी लोग के साथ। उसके बाद फिर आगे का हम लोग करेंगे, देखने मिलेगा क्या क्या। उसके बाद ही शादी कब से स्टार्ट है बोल तो रहा है 3:30 बजे से है, लेकिन थोड़ा बहुत तो टाइम इधर उधर होता है। देखिए कैंपस कैसे सजाया गया, पूरा सजा हुआ है उधर तक। लड़की पार्टी लोग को इस तरफ में मिला है, मतलब ये पंडाल के उस तरफ में है उन लोग का पार्टी। तो वो लोग पूरा झुंड में बैठी हुई है, सबको वहाँ पर नाश्ता पानी जो भी है, हणिया सब खाने पीने का वहाँ पे दिया जा रहा है सबको। वो लोग खा पी करके उधर नहीं बैठे, हम लोग थोड़ा बैठे पसीने लग रहा है ना गर्मी में, शादी होने से। तो यहाँ लोग छाया में बैठे, देखिए ये नीम का पेड़ है उसके नीचे बैठे, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। बहुत आगे को देखने मिलेगा शादी आप लोगों को कैसे हो रहा है बोलते। चलिए देखिए उसको ले जाया जा रहा है, खूब सजाएगा देखने। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं, दुल्हन को बोला जा रहा है कि मतलब मंडप में बैठी है, तो चलिए हम लोग जाके देखते हैं उनसे मिलेंगे कैसे क्या उनका बेबी बना है। वो लड़का बैठा, चलिए हम लोग का जीजा को भी दिखते हैं। मेरे जीजा कैसी दिखती है? अच्छी दिखती है, थोड़ा दिखती है ना, टकला होने से भी क्या, उसका दिल बहुत बड़ा है पता है। ये देखिए, ये आम का मतलब चूड़ी जैसा बनाया जाता है, ये पहनाया जाता है, दोनों को पहनाया जाता है, लड़का को भी और लड़की को भी पहनाया जाता है। तो अभी सबसे पहले ना, मतलब हम लोग का शादी में क्या होता है, लड़का को पहले मंडप में बैठाया जाता है। तो अभी इनका पारी है, ये देखिए पंडित जी उसको बांध दे रहे हैं। और ये जो है ना माला जैसे पहनाया जा रहा है, इसको पोहता बोलते हैं, ये भी दोनों को पहनाया जाता है। अभी लड़का का पारी है तो उनको पहनाया जा रहा है। और ये देखिए दूल्हे राजा का पारी ओवर हो गया, तो एक बार उनको बैठा करके जो भी होता है उनका रस्म होके वो जाते हैं, मतलब वो चले जाएंगे, उनको पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद इनके जाने के बाद फिर दुल्हन को लाया जाता है। और एक बात, हम लोग का जो हो समाज में जो शादी होता है ना, ये जो बिछौना होता है चटाई, वो जाटी जो बोलते हैं उसमें बैठा करके किया जाता है। ये देखिए अभी दुल्हन को लाया जा रहा है, और दुल्हन को भी सेम प्रोसेस होगा जो दूल्हा के लिए हुआ था, तो उनको भी लाया जा रहा है। देखिए ये जो पीला साड़ी वाली लोग ला रही है,
और ये जो है ना चटाई जो मतलब जाटी बोलते हैं उसमें बैठाया जाता है, और उसमें जो साल का पत्ता है उसका ये प्लेट बनाया जाता है। एक में वो बैठती है और एक में पैर रखती है। ये देखिए बैठाया गया है उनको। और हम लोग का हो लोग का में रस्म होता है कि मतलब पीला साड़ी में पहले समय तो पहनाया जाता था, मतलब साड़ी शादी उसमें होता था ये लाल पाड़ और पीला वाला में, लेकिन अभी होता है ना कि रंगीन में ही होता है मतलब कलरफुल वाला में, लेकिन उसको मतलब नाम के लिए उनको उड़ा दिया जाता है। तो उड़ करके बैठी हुई है देखिए, चढ़ाया जाता है मतलब। अभी जैसे ही दूल्हा का पारी ओवर हो गया, अभी दुल्हन का भी पारी है, तो उनको भी बैठाया जा रहा है अकेले। उसके बाद इनका होगा, फिर दोनों साथ में होगा, मतलब पहला राउंड दूल्हा का होता है, फिर उनको ले जाया जाता है, फिर दुल्हन का, उसके बाद दोनों का साथ में होता है। तो देखिए इनके लिए भी ये वाला हो रहा है, ये जो आम का होता है ना चूड़ी जैसा वाला, उनको भी पंडित जी पहना दिया जा रहा है, पहना दे रहे हैं। और ये देखिए वो पोता जो मतलब दूल्हा के लिए भी था, वो अभी दुल्हन को भी पहनाया जा रहा है। अभी देखिए दूल्हे को भी लाया गया है, अभी दोनों का साथ में होगा। एक साइड में दूल्हा बैठेंगे और उनके सामने के साइड में दुल्हन बैठेंगी, तो वैसे ही बैठाया गया है दोनों तरफ चटाई और वो पत्ता दे करके। और जैसे ही दोनों को लाया जाता है ना, तो दोनों का ये दे दिया जाता है, बीच में धोती कपड़ा दे दिया जाता है, ताकि उन दोनों को एक दूसरे को नहीं देखना है ऐसे करके। और उन दोनों मतलब और जो पीछे में रहते हैं उन लोगों को सबको को चावल दे दिया जाता है, उसे छींटना होता है। दुल्हन वाला लोग दूल्हा को, ये दुल्हन वाला लोग दूल्हा को फेंकेगा, और दूल्हा के साइड वाला लोग मतलब अपोजिट पार्टी लोग एक दूसरे को ऐसे करेगा, छिपता है। तो सबको पंडित जी दे रहे हैं वो चावल। ये देखिए छिटना चालू कर दिए, वो लोग सबको एक दूसरे को छिट रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हस्त मिलाप हो रहा है, मतलब दोनों का हाथ का मिलन हो रहा है। ये पंडित जी मतलब दोनों को बांध दे रहे हैं एक दूसरे का हाथ। और ऐसा होता है ना कि ये वाला हाथ छूटना नहीं चाहिए, अगर छूट जाता है ना तो इसमें ना मतलब वो लोग ये करते हैं, पैसा देना होता है, तो इसीलिए अच्छा से बांध दिया जाता है ताकि वो चीज़ खुले नहीं। तो इसीलिए मतलब दोनों पे देखिए ये तेल डाला जा रहा है। इन लोग में से कौन कौन लोग डालते हैं, मामा लोग भी डालते हैं इधर से, मतलब लड़की के मामा डालेंगे। अच्छा ये कन्यादान हो रहा है, और यहाँ पे देखिए मामा लोग यहाँ पे डाल रहे हैं वो वाला। यहाँ पे बड़ी मामी है, ये डाल रही है यहाँ पे।
और अभी इनको मतलब दूल्हा के साइड ले जाया जा रहा है, वो दोनों को अभी सेम साइड में बैठना है। गर्मी भी बहुत था तो फिर यहाँ पे पंखा लगा दे रही है। अभी कोई पूरा होगा मतलब मुड़ी उन दोनों ये करेंगे फोड़ेंगे, तो अभी दोनों खड़े हो जाएंगे उसके बाद फिर इसको हम लोग खोई पूड़ा बोलते हैं या फिर हम लोग सोड़ा बिदा बोलते हैं। यहाँ पे वो मूढ़ी देंगी और वो लोग बिदा रहे हैं सिर पे। कहीं कहीं पे ऐसे हम देखते हैं ना कि ये लोग हाथ से नहीं लेकर के सूप से गिराते हैं, लेकिन सब तरफ अलग अलग है तो यहाँ पे वो लोग हाथ से गिरा रहे हैं। छोटा सा सूप होता है ना शादी में, वो वाला चीज, वो वाला बहुत जगह तो वो वाला देखते हैं। वो वाला होने के बाद एक दूसरे को मुड़ी खिलाया जाता है, मतलब वो देखिए दूल्हे राजा खिला रहे हैं उनको, ये भी खिलाएंगे उनको। और यहाँ पे अभी सिंदूर दान का पारी आ गया है, अभी सिंदूर दान होगा उन लोग का। ये वाला प्रोसेस को हम लोग सिंदूर दान बोलते हैं। ये बेजोड़ लगाया जाता है सिंदूर, मतलब 5 बार लगा सकते हैं या फिर 7 बार या फिर 3 बार, मतलब ये 3, 5 और 7 में से कोई एक चीज होता है। तो यहाँ पे ये लगा रहे हैं दूल्हे, दूल्हा लगा रहे हैं उनको, दुल्हन को, उसके बाद फिर दुल्हन भी लगाती है दूल्हे को। और पीछे से वहाँ से फूल भी दिया जा रहा है, मतलब हम लोग सबको पीछे बैठ रहे थे तो फूल छीट रहे थे, और अभी इनका पारी है दुल्हन का, वो भी लगा रहे हैं जिया जी को। और यहाँ पे हो चला है पारी की मतलब अभी वरमाला का, तो वरमाला वो लोग चढ़ा रहे हैं एक दूसरे को, माला पहनाने का पारी तो हो गया ये वाला। और अभी हो मतलब वो लोग 7 फेरा घूमेंगे, तो 7 फेरा हम लोग 7 बार घूमते हैं, मतलब शादी में 7 बार घुमाया जाता है, तो लोग 7 फेरा ले रहे हैं। तो यहाँ पे इन लोग मतलब आशीर्वाद ले रहे हैं पंडित जी का, उनका भी आशीर्वाद हो गया। और नेक्स्ट वीडियो का आप जरूर वेट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिलेगा कि उन लोगों को कौन सा क्या क्या सोना चांदी मिला, सब चीज़ बहुत सारा ज्वेलरी वगैरह ये सब चीज़ देखने मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग जरूर देखिएगा, और ये वीडियो लंबा हो गया इसीलिए हम उसको नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे।